अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खैरियत से होंगे। रोनाल्डो फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो, रोनाल्डो को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत बहुत मुबारक हो, जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल्स करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले ईरान के अली दाई के पास ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने 109 गोल्स किए हुए थे, और रोनाल्डो ने पहले तो ये रिकॉर्ड बराबर किया, 109 थे। और आयरलैंड के खिलाफ ये मैच था और आयरलैंड 1-0 से जीत भी रहा था। मतलब पहले हाफ में रोनाल्डो को पेनल्टी मिली और अगर ये पेनल्टी पे गोल कर लेते तो वहीं पे उनका रिकॉर्ड हो जाता और फिर लोगों ने उनको पेनाल्डो पेनाल्डो बोला था। लेकिन खैर, रोनाल्डो ने पेनल्टी मिस कर दी, उस पर भी बहुत सी डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि ब्रूनो फर्नांडिस को भी ये पेनल्टी लेनी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता ही है मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो वापस आ गए हैं और ब्रूनो फर्नांडिस जो है उन्होंने इस सीज़न एक भी पेनल्टी मिस नहीं की मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। प्रीमियर लीग में उन्होंने 9 गोल्स किए पेनल्टी के इसके ऊपर। तो खैर, ब्रूनो फर्नांडिस जो है उन्होंने ऑब्वियसली, रोनाल्डो उनके सीनियर हैं, उन्होंने खुद ला के उनको बॉल दी, लेकिन रोनाल्डो ने गोल मिस कर दिया। इस दौरान एक कंट्रोवर्सी भी हुई, रोनाल्डो पेनल्टी के लिए बॉल सेट कर रहे थे, आयरलैंड के खिलाड़ी ने बड़ी अजीब सी हरकत की कि उसने लाके किक मार दी एमी रोनाल्डो को बिला वजह तंग करने के लिए, और रोनाल्डो ने उनको एक थप्पड़ भी लगा दिया। तो कोई उस्ताद जो है या कोई टीचर जो है अपने स्टूडेंट को, जो है शरारती स्टूडेंट को, उसने भी खैर शरारत की थी, अजीब वरीब सी किक मार दी रोनाल्डो को, गुस्सा आ गया, रोनाल्डो ने उनको थप्पड़ लगा दिया। मैं और रोनाल्डो काफ़ी लकी रहे कि रोनाल्डो को वहाँ पर रेड कार्ड नहीं मिला। अगर उनको रेड कार्ड वहाँ पर मिल जाता तो वहीं पर कल उनका मैच खत्म हो जाता और ये रिकॉर्ड ना होता। लेकिन खैर, 89 मिनट में जब पुर्तगाल हार रहा था, पुर्तगाल वहाँ पर रोनाल्डो ने गोल किया और 1-1 से बराबर कर दिया मैच को। और थोड़ी ही देर के बाद, बिल्कुल जो होता है इजाफी वक्त होता है, एडेड टाइम होता है, जो कि थोड़ा सा कोई टाइम इधर उधर वेस्ट हो गया होता है किसी खिलाड़ी की इंजरी की वजह से या कुछ, उस टाइम के अंदर रोनाल्डो ने आखिरी गोल किया। दोनों गोल उन्होंने हेडर पे करके पुर्तगाल को जिता भी दिया और फिर उन्होंने शर्ट भी उतारी, सेलिब्रेट भी किया, येलो कार्ड उन्होंने दे दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये मैच पुर्तगाल को जिता दिया और अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने बना दिया मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स, 111 गोल्स का। तो रोनाल्डो को भी मुबारक हो, उनके फैंस को भी मुबारक हो, एक और रिकॉर्ड उनके पास आ गया। लेकिन इसके साथ साथ अब देखना है कि लियोनेल मेसी जो है वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं, वो कितने गोल्स करेंगे। और इसके अलावा ऑब्वियसली एक बार फिर गोट की डिबेट शुरू हो जाएगी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन है। लेकिन फिर ये भी बात है कि एक किसी वीडियो में मैं ये भी ब्रेक डाउन करूँगा कि रोनाल्डो ने जो अपने इंटरनेशनल गोल्स किए वो किस किस के खिलाफ किए, क्योंकि बजाय तो आयरलैंड की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसके खिलाफ रोनाल्डो ने 2 गोल्स करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। रोनाल्डो फैन जो है वो मुझे गुस्से ना हो जाइएगा मेरी इस बात पे, और बल्कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेशनल गोल्स हैं वो मेसी ने ज़्यादा डिफिकल्ट टीम्स के खिलाफ किए हैं या फिर रोनाल्डो ने, क्योंकि रोनाल्डो ऑब्वियसली ये इल्ज़ामों पर लगता है कि वो आम तौर पर जो हैट्रिक करते हैं या जो ज़्यादा गोल्स करते हैं वो थोड़ी हल्की यूरोप की टीमों के खिलाफ करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह आपको तमाम स्पोर्ट्स की न्यूज़ और अपडेट्स मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।